हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूट्यूब को कुछ ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो या तो आपके चैनल को एकदम से ग्रो कर देंगे, आपके चैनल पे व्यूज़ लाएंगे, सब्सक्राइबर्स गेन कर देंगे, या तो फिर आपका चैनल हो जाएगा डिलीट, या फिर आपका जो वीडियो है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। और हाँ, मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय गवाए हुए। हाँ तो दोस्तों, पहला अपडेट जो निकल के आपको आता है कम्युनिटी टैब को लेके। कम्युनिटी टैब में आप पहले आप किसी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते थे, अपना कोई वीडियो शेयर कर सकते थे, या फिर कोई इमेज शेयर कर सकते थे, या फिर कोई पोल रेटिंग का बना सकते थे। तो आप इस तरह का बना सकते थे पहले कम्युनिटी टैब में। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है उसके अंदर आप चाहो तो अपनी पूरी प्लेलिस्ट ही आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके जो एक वीडियो के बजाय जो यूजर्स हैं वो जिस टॉपिक पे सर्च कर रहा होगा उसको आपकी बनाई हुई पूरी प्लेलिस्ट उनको मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपके व्यूज़ भी गेन होंगे और आपके सब्सक्राइबर भी गेन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। दूसरा के कम्युनिटी टैब में ये अपडेट है कि कम्युनिटी टैब में आप जो भी पोस्ट करते थे वो सिर्फ आपके सब्सक्राइबर को ही मिलता था, यानी कि आपके सब्सक्राइबर को ही नोटिफिकेशन जाता था, वो स्क्रॉल करते थे उनको ही शो होता था। लेकिन अभी यूट्यूब ने कुछ चेंजेस किए हैं कि आप जो भी कम्युनिटी टैब में आप डालोगे तो वो आपके सब्सक्राइबर के सिवा और भी दूसरे लोगों को जो आपके सब्सक्राइबर नहीं है और भी यूजर्स को वो शो होंगे, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर्स गेन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा जो अपडेट निकल के आया था वो ये है कि आप जब भी YouTube खोलते हो तो आप किसी का भी YouTube थंबनेल देख के आप उस पर क्लिक कर देते हो। लेकिन YouTube ने नया अपडेट ये दिया है कि आप जब भी कोई वीडियो देखना चाहोगे तो आप जैसे ही उसके ऊपर रुकोगे तो वो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, या फिर पूरी वीडियो आपको साइलेंट मोड में वो दिखाई देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में आखिर है क्या, थंबनेल के रिकॉर्डिंग कुछ है या फिर कुछ फेंकू है। ओके दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने वीडियो में कुछ और डालते हैं और थंबनेल पे बहुत ही अच्छा चिपका देते हैं ज़ोरदार, ताकि मेरे व्यूअर्स उस पर एक बार क्लिक करें और वीडियो ना चाहते हुए भी देखें। ओके दोस्तों, तो ये अपडेट इसी वजह से दिया गया है कि आपके वीडियो में आपके थंबनेल से अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ओके दोस्तों, जिससे आपको यूट्यूब पे जो व्यूज़ आएंगे उसमें थोड़ी कमी भी हो सकती है। और दोस्तों, सबसे आखिरी अपडेट जो निकल के आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अंदर यूट्यूब ने अभी 2 दिन पहले ही आपको कुछ नोटिफिकेशन मिला होगा, या फिर आपके जो डैशबोर्ड है क्रिएटर स्टूडियो में उसके अंदर आपको एक बैनर टाइप का ब्लू कलर की पट्टी में लिखा होगा कि 13 और 14 दिसंबर को आपका जो चैनल है उसके ऊपर जितने सब्सक्राइबर है उसके अंदर जो स्पैम सब्सक्राइबर है या फिर जो भी है उसमें आपके कमी आ सकती है। क्योंकि ये यूट्यूबर्स देखते हैं, नोटिस करते हैं, टाइम टू टाइम वेरीफाई करते रहते हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो रियल है, जेन्यून है या फिर नहीं है। क्योंकि आप काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि फेसबुक पे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। तो ये सब फॉर सब भी चेक करते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, जेन्यून हैं और कितने नहीं हैं। तो उस हिसाब से आपको आपके सब्सक्राइबर के अंदर आपको देखने को मिला होगा कि आपके सब्सक्राइबर कुछ कम हो चुके होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको ये कभी भी नहीं करना है सब फॉर सब, या फिर जो आप करते हैं एक दूसरे को लिंक शेयर करते हो और उसका चैनल आप सब्सक्राइब करते हो, मेरा चैनल वो सब्सक्राइब कर लेगा, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। और बहुत सारे वेबसाइट्स भी ऐसी है जो आपको YouTube पे सब्सक्राइबर्स ला के देती है, खरीद के देती है। तो दोस्तों, मैं आपको सही बात बता दूँ तो आपको इस तरह का काम नहीं करना, नहीं तो आपका चैनल या तो फिर डिलीट हो सकता है या तो फिर उसका मोनेटाइजेशन कभी एनेबल ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इतना ध्यान रखें कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो आपके जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आने चाहिए, उसके हिसाब से ही आने चाहिए। तो वो YouTube भी ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, वेरीफाई करता रहता है कि कैसे ये सब्सक्राइबर कहाँ से आए हैं और किस तरह से ये सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट 2 दिन में मिल चुका होगा, 13 और 14 तारीख का अपडेट था ये, तो ये मिल चुका होगा। आपके सब्सक्राइबर में या तो फिर कमी आई होगी या तो फिर आपको आपके सब्सक्राइबर जेन्युइन होंगे, तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, सब फॉर सब की जगह पर आप अच्छा सा कंटेंट बनाइए, आपके वीडियोस लोग देखेंगे और ज़रूर से सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे आपके। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे यूट्यूब के ऐसे 3 अपडेट्स
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप का चैनल ग्रो भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।